कोई रहे न रहे, लेकिन मोहब्बतें जिंदा रहती हैं। मोहब्बत का जादू कभी खत्म नहीं होता, और मोहब्बत जब बॉलीवुड के सितारों की हो तो फिर तो जैसे हमेशा के लिए अमर ही हो जाती है। जब जब बॉलीवुड के मोहब्बत का जिक्र होता है, इश्क का जिक्र होता है, प्यार का जिक्र होता है, तो एक नाम जहन में सबसे पहले आता है। ये नाम है अमिताभ और रेखा का। अपनी मोहब्बत को भले ही इन दोनों ने कभी कबूल नहीं किया हो, लेकिन इन दोनों का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े इश्कबाजों में शुमार किया जाता है। भले ही अमिताभ और रेखा की मोहब्बत की दास्तां अधूरी रह गई, लेकिन इनकी मोहब्बत की कहानी के बिना बॉलीवुड में इश्क की कहानियां कभी पूरी नहीं होंगी। जब अमिताभ और रेखा ने साल 1976 में पहली बार फिल्म दो अनजाने में एक साथ काम किया था, तो दोनों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ना तो अब ये एक दूसरे से अनजाने रहेंगे और ना ही दुनिया इन दोनों की मोहब्बत के किस्सों से अनजानी रहेगी। रेखा से मुलाकात के 3 साल पहले 1973 में ही अमिताभ की शादी हो चुकी थी। एक साथ फिल्में करते करते अमिताभ और रेखा एक दूसरे के करीब आते गए, और फिर धीरे धीरे इन दोनों की गिनती बॉलीवुड की सबसे कामयाब जोड़ियों में से होने लगी। जब इश्क सुपरस्टार्स का हो तो इसे छिपाना नामुमकिन हो जाता है। 22 फरवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी पर माथे पर सिंदूर लगाकर रेखा पहुंची, लेकिन ये सिंदूर किसके नाम का था, इस बात का खुलासा रेखा ने कभी नहीं किया। अमिताभ और रेखा के अफेयर के किस्से मिर्च मसाले के साथ हर अखबार और हर मैगजीन की सुर्खियां बनने लगे, और फिर इनकी मोहब्बत के किस्से वहां तक भी पहुंच गए जहां तक नहीं पहुंचने चाहिए थे, यानी जया बच्चन तक। 1980 में ही फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में छपे एक लेख के मुताबिक रेखा लोगों को अमिताभ के साथ अपने रिश्ते के बारे में इशारा देने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। स्टारडस्ट में छपे इस लेख के मुताबिक रेखा ने एक स्टोर में जाकर ये भी बताया कि वो माँ बनने वाली है। अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें जिस समय जोरों पर थी, उस समय जया बच्चन ने इन खबरों से परेशान होकर रेखा को डिनर पर बुलाया। ये बात रेखा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी जो उन्होंने फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट को दिया था। 1977 में फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में छपे लेख के मुताबिक रेखा थोड़ी घबराई हुई जया बच्चन के घर डिनर के लिए गईं। वो सोच रही थी कि या तो जया गुस्से में उन पर चीखेंगी, चिल्लाएंगी, या फिर प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जया ने बड़े आराम से उन्हें शानदार डिनर करवाया, उनसे अपने बंगले की सजावट की बात की, यानी सारी बातें हुई सिवाय अमिताभ बच्चन के जिक्र के, और डिनर के बाद रेखा वापस चली गईं। लेकिन डिनर के बाद जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। जहां रेखा चीख चीख कर दुनिया को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी, वहीं बच्चन साहब हमेशा कहते रहे कि कोई रिश्ता है ही नहीं। और इसी दौरान 1980 में आई एक खबर ने बॉलीवुड में धमाका कर दिया। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने ऐलान किया कि उनकी अगली फिल्म सिलसिला में लीड रोल्स में होंगे अमिताभ, रेखा और जया बच्चन। मीडिया में खबरें आई कि इस फिल्म में साथ काम करने के लिए खुद अमिताभ ने रेखा और जया से बात की थी, क्योंकि साथ काम करके ये साबित हो सकता था कि रेखा और जया में कोई अनबन नहीं है, और इस बात से अमिताभ रेखा के अफेयर की खबरों पर भी लगाम लग जाएगा। फिल्म सिलसिला में अमिताभ और रेखा एक नहीं हो पाते, और रियल लाइफ में भी इस फिल्म के बाद वो कभी साथ नहीं दिखे। कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद खबर छपी कि रेखा भी अमिताभ का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उन्हें अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया। रेखा को इस घटना से बेहद धक्का लगा। एक मैगजीन को दिए बयान में उन्होंने कहा, सोचिए मैं उस शख्स को ये नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। मुझे मौत मंजूर थी, पर बेबसी का ये एहसास नहीं। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। इस बयान से साफ था कि अलग होने के बावजूद रेखा के दिल में अमिताभ के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। वहीं अमिताभ ने इसके बाद भी इस रिश्ते की बात को हमेशा नकारा। उनके मुताबिक तो रेखा बस उनकी को स्टार थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए।
फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।